फरियादियों के लिए कलेक्ट्रेट स्थित डीसीपी पश्चिम कार्यालय में एक अहम पहल शुरू की गई है। डीसीपी पश्चिम ने फरियादियों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण के लिए पश्चिम जोन में आने वाले सभी थाने एसीपी को गूगल मीट माध्यम से जोड़ा है। डीसीपी पश्चिम कार्यालय में आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण तत्काल किया जा रहा है। फरियादियों के लिए कलेक्ट्रेट स्थित डीसीपी पश्चिम कार्यालय में एक अहम पहल शुरू की गई है। डीसीपी पश्चिम सोनम कुमार ने फरियादियों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराने के लिए पश्चिमी जोन में आने वाले सभी थाने व एसीपी कार्यालय को गूगल मीट के माध्यम से जोड़ा है। डीसीपी पश्चिम सोनम कुमार कार्यालय में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारण कर रहे हैं। देखिए, इसमें 10 बजे से 1 बजे तक सभी थाना प्रभारी, सभी एसीपी और मैं स्वयं, हम लोग सब गूगल मीट से जुड़े रहते हैं और जो फरियादी मेरे पास आते हैं या एसीपी के पास भी जाते हैं, ये पूरी व्यवस्था सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से, उनको ऑनलाइन अपीयर कराया जाता है और तत्काल उनकी बात जो है इंस्पेक्टर से करा दी जाती है, एसीपी से करा दी जाती है और उनको उसी समय निर्देश भी मिल जाते हैं और इसमें ये भी पता चल जाता है कि वो थाने पर गए थे कि नहीं गए थे, अगर थाने पर गए थे तो उन पर कार्रवाई हुई थी कि नहीं हुई। तस्वीरों में दिख रहा है कार्यालय डीसीपी पश्चिम जोन सोनम कुमार का है। डीसीपी पश्चिम सोनम कुमार ने फरियादियों की सहूलियत के लिए कार्यालय पर एक अहम पहल की शुरुआत की है। डीसीपी पश्चिम ने जोन में आने वाले समस्त थाने व एसीपी को गूगल मीट के माध्यम से कार्यालय में जोड़ा है। डीसीपी सोनम कुमार ने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गूगल मीट के माध्यम से थाने व एसीपी कार्यालय स्तर पर बातचीत करा रहे हैं। वहीं फरियादियों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण भी किया जा रहा है। हर तरह की शिकायतें आ रही हैं, जैसे आज का अगर हम देखें तो आज हमारे पास फाइनेंशियल फ्रॉड भी आया, साइबर क्राइम भी आया, मारपीट की भी बात आई, पारिवारिक विवाद भी आया, तो हर तरह की समस्याएं आ रही हैं और अलग अलग थानों से हर तरह की समस्याएं आ रही हैं। डीसीपी पश्चिम सोनम कुमार का कहना है कि कार्यालय पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना जा रहा है, उनकी शिकायत को तत्काल निस्तारण के लिए ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से थाना सहित एसीपी कार्यालय पर समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं फरियादियों को थाने के चक्कर न लगाने पड़े उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। फरियादियों की लिखित शिकायत पोर्टल के माध्यम से थाना स्तर व एसीपी कार्यालय पर अपलोड की जा रही है, जिससे कि फरियादियों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जा सके। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।